नमस्कार, मैं कातिन मिश्रा, स्वागत है आपका एनवन लाइव पर। आई नजर डालते हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हिमाचल में प्लास्टिक के बगैर फोर लेन पर पर्यटकों का होगा स्वागत। नेशनल हाईवे पर सुकूनदायक सफर का लुफ्त लेने के साथ ही अब मुसाफिरों को स्वच्छता का भी रखना होगा ख्याल। एनएचएआई ने नेशनल हाईवे पर सीसीटीवी से निगरानी का किया है फैसला। ये सीसीटीवी वाहनों की गति को पकड़ने के साथ ही गाड़ियों से बाहर फेंकी जा रही गंदगी पर भी रखेंगे नजर। नेशनल हाईवे पर कचरा डालते पाए जाते मुसाफिर तो टोल प्लाजा पर ली जाएगी उनकी खबर। मुंबई में आयोजित होने जा रहे विधायक परिषद सम्मेलन में प्रत्येक राज्य से कई मंत्रियों व विधायकों को दिया गया है न्योता। 15 जून से 18 जून तक होने वाली इस बैठक के शुभारंभ की जोरों शोरों से हो रही हैं तैयारियां। इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ जा सकते हैं सभी 25 विधायक। वहीं प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी इस सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रदेश के जलाशयों, नदी नालों और खड्डों में 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर मत्स्य विभाग ने लगा दिया प्रतिबंध। अवहेलना करने वालों को हो सकती है 3 साल तक की कैद और लगेगा 5,000 तक का जुर्माना। मत्स्य विभाग प्रतिवर्ष 2 माह के लिए मछली पकड़ने पर लगाता है पूर्ण प्रतिबंध, क्योंकि इस अवधि में अधिकतर महत्वपूर्ण प्रजाति की मछलियां करती हैं प्रजनन। केंद्र सरकार हिमाचल को 2600 करोड़ रुपए के आवंटन से पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रोजेक्ट की करेगा समीक्षा। सोमवार को होगी समीक्षा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोक निर्माण विभाग को इस बैठक में शामिल होने के दिए निर्देश। हिमाचल के सभी अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे बैठक से और रखेंगे प्रदेश का पक्ष। प्रदेश के सेब उत्पादकों को इस बार सस्ते दामों पर उपलब्ध होगा कार्टन। बीबीएन के गत्ता उद्योगों ने दे दिए इसके संकेत। उद्योगपतियों के अनुसार इस बार सेब कार्टन 5 से 10 रुपए तक मिलेगा सस्ता। बीबीएन के उद्योगों में इस बार यूनिवर्सल कार्टन किए जा रहे हैं तैयार, जिसमें बागवानों को इनके दाम कम होने से मिलेगी राहत। हिमाचल में अब विक्रेता एक दिन में 20,000 रुपए के बजाय बेच सकेंगे 2,00,000 रुपए तक के स्टाम्प पेपर। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से स्टाम्प विक्रेताओं की आय में भी होगा इजाफा। हालांकि प्रदेश में वर्ष 2011 में शुरू किया गया था इस स्टाम्प प्रणाली, लेकिन अब राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष से हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से स्टाम्प प्रणाली से बिक्री करने का लिया है निर्णय। हिमाचल में जेओआईटी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने विजिलेंस थाना हमीरपुर में 2 आरोपियों को किया तलब। पेपर लीक मामले में जमानत पर चल रहे आरोपी से 2 घंटे थाने में हुई पूछताछ। विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक एक आरोपी के बैंक खाते में जमा मोटी नकद राशि को लेकर जब पूछा गया सवाल तो वह नहीं दे पाया संतोषजनक जवाब। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया बयान कि शानन परियोजना के स्वामित्व का पंजाब सरकार के पास नहीं अधिकार, केवल पट्टे पर दी गई थी यह परियोजना। मार्च 2024 में पूरी हो रही है पट्टे की अवधि। केंद्रीय मंत्री से शानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल को हस्तांतरित करने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया पूर्ण करने का किया गया आग्रह। हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अगले माह से 110 रुपए प्रति लीटर मिलेगा सरसों का तेल। खाद्य आपूर्ति निगम ने कंपनी के लिए सप्लाई ऑर्डर कर दिए जारी। जून की अपेक्षा जुलाई में मिलने वाले सरसों तेल में 37 रुपए की हुई है कमी। अभी उपभोक्ताओं को 147 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डिपो में दिया जा रहा है सरसों का तेल। गर्मी से फिर से तपने लगे हिमाचल के पहाड़। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 14 कस्बों का पारा 30 डिग्री से हो गया है पार और 35 डिग्री से अधिक हो गया है 9 शहरों का तापमान। ऊना का अधिकतम तापमान पहुंच गया 39.2 डिग्री। मौसम विभाग की माने तो कल तक प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम रहेगा साफ, खासकर मैदानी इलाकों में खिलेगी अच्छी धूप, इससे तापमान में आएगा और उछाल। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवन लाइव।